देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। ये पुरस्कार शाम 6 बजे से वितरित किए गए। केंद्र सरकार ने इस साल 25 जनवरी को देश के 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की थी। इस साल 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। ये सम्मान देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल है। ये पद्म पुरस्कार कई श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें कला, सोशल वर्क, सार्वजनिक कार्यक्रम, साइंस और इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री जगत, मेडिसिन, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा शामिल है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को और पूर्व राज्यपाल राम नाईक, गायिका उषा उथुप को पद्म भूषण से नवाजा गया।